सो गाइज, आज का हमारा श्रद्धा कपूर का इंस्पायर्ड मेकअप लुक होने वाला है। हेलो गाइज, मैं हूँ दीपिका और आज हम स्ट्रीट डांसर 3D में श्रद्धा कपूर का इंस्पायर्ड मेकअप लुक में आज ट्राई करूंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ सबसे पहले मैं टिनटिन का कंसीलर ले रही हूँ। इसका मैं आई बेस बना रही हूँ। तो मैं आईज़ मेकअप करूँगी, इसको आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी, आईज़ के ऊपर भी अप्लाई कर लूँगी फिंगर टिप्स की हेल्प से। आप चाहे तो ब्रश ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। और यहाँ मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट से मैं सेट कर दूँगी। लैक्मे का कॉम्पैक्ट है ये। और ये लिया है मैजिक फ्लावर जेल लाइनर, जिसमें मेरा शेड है ब्लैक। तो मैं इसको फिलअप्स करूँगी और आईब्रोज को शेप अप दूँगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से। दैन इसके बाद हुडा ब्यूटी पैलेट से मैंने ये ब्राउन शेड लिया है, जिसको मैं क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी और उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। दैन इसके बाद मैं लूँगी एक डार्क ब्राउन शिमरी शेड है, जिसको मैं आईज़ के सेंटर में अप्लाई करूँगी, ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाए, जैसे कि श्रद्धा ने अप्लाई किया हुआ है इस तरीके से। और ये मैंने लिया है वाइट हाइलाइटर, तो मैं आईज़ के इनर कॉर्नर पे उसको अप्लाई करूँगी। और यहाँ मैं मस्कारा लिया है डिस्क का, और मैं लोअर लैशेज दोनों में अप्लाई कर दूँगी इसको अच्छे से। और इसके बाद मैं यहाँ एंगुलर ब्रश लिया है, और ये लिया है मैंने लाइनर, तो मैं इससे अपने लाइनर लगाऊंगी। और ये मैं इनर कॉर्नर में, देखो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, ऐसे पहले मैं शेप दूंगी। देन उसके बाद मैं इसको पीछे की साइड लेती हुई जाऊंगी और एक विंग बनाऊंगी, जैसे कि श्रद्धा की आईज़ पे बने हुए हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट श्रद्धा की आईज़ ही कर रही हैं, तो सबसे अच्छी मुझे यही लगी इसमें बात। थोड़ा अरेबिक टाइप का लाइनर है ये, और इसको मैं ऊपर भी लगाऊंगी, पतली लेयर लगाऊंगी लाइनर की। देन इसके बाद मैं काजल ले रही हूँ लैक्मे का, उसको फिलअप कर लूँगी अच्छे से। तो देख सकते हैं मैंने इसको कैसे अप्लाई करा है, एक अरेबिक तरीके की सी आईज मेकअप है ये लाइनर जो लगाया है मैंने। और इसको मैं थोड़ा और लॉन्ग कर लूँगी मैं साइड से। देन इसके बाद मैं NYB का प्राइमर लूँगी, और उसके बाद मैं लूँगी ऑरेंज कलर करेक्टर NYB का, और उसके बाद मैं इसको फिंगर टिप्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर लूँगी। देन इसके बाद मैं लैक्मे का 925 प्राइमर लिया है, इसमें है वार्म नेचुरल शेड मेरा, और इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और इसी सेम फाउंडेशन से मैं कंसीलिंग भी करूँगी अपने हाईलाइट जोन्स को, और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हर मेकअप में। और इसके बाद मैं कंट्रिंग करूँगी मास्क की 3D स्टिक से, नोज़ की और चिक्स की और अपने जॉ लाइन की, और उसको मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ। और इसको फट में इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, तो बेस को मैं सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट से, लैक्मे सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट है। और यहाँ मैं थोड़ा पीच शेड लगा रही हूँ ब्लशर, जैसे कि श्रद्धा ने लगाया है। और लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा लाइट है, थोड़ी सी हल्की ऑरेंज टाइप है, और उसको मैं मिक्स कर लूँगी। देन मैं रेडी। और ये मेरा एक ही बैकग्राउंड हुप है जो खो गया था, एक ही लॉस्ट हो गया था। और ये मेरा नोज़ रिंग है, मैंने इसको मोड़ कर पहनी अंदर की साइड में, पर नोज रिंग नहीं थी। फ्रेंड्स, सो दैट्स माय फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरी मिस्टेक्स को ज़रूर माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ, बाय।